हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आर्मी जीटी का सिलेबस बताने वाले हैं, यानी आर्मी का जो जनरल ड्यूटी होता है। अभी आपको अग्निवीर का जो भर्ती आया हुआ है उसका सिलेबस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ साथ ये भी हम बताएंगे कि आपको जो जो सिलेबस है उसके लिए कौन सा बुक पढ़ना है, तो ये भी हम बताएंगे और बहुत बेहतर तरीका से हम बताएंगे। साथ साथ आपको जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या चीज़ की तैयारी करना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो भी आर्मी अग्निवीर जो भर्ती अभी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, और उस भर्ती में जो आपको सवाल यानी क्या होगा, आगे रनिंग होगा और रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। क्या बोले कि आगे रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तभी जो हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और इसका जो अगला वीडियो हम लाएंगे जिसमें बताएंगे कि आर्मी के लिए हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ हम बताएंगे अगला वीडियो में। अगर आपको हम बताते हैं कि आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो जो अग्निवीर जो भी आया हुआ वैकेंसी आर्मी का, तो जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप SSC GD का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि SSC GD भी 2023 में तीसरा महीना में निकलने वाला है। मेरा नाम सुमन हुआ और बता रहे हैं सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में। लास्ट में हम आपको क्लास का एड्रेस भी हम आपको बता देंगे, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास होता है। तो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो आर्मी का जो GD का यानी जनरल ड्यूटी के में जो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन का लेबल क्या होगा और क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा ये बताते हैं। सबसे पहले हम लेबल के बात करते हैं क्वेश्चन का, तो जो क्वेश्चन का लेबल रहेगा ना वो नॉर्मल रहेगा यानी बेसिक लेबल क्वेश्चन रहेगा। यानी मैथ में आप 8-9 तक जो पढ़े होंगे यानी 8 के नीचे जो पढ़े होंगे वो सारा क्वेश्चन रहेगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। और SSC GD का जो रहता है वो हार्ड रहता है। आप अगर आर्मी का GD का जो सिलेबस रहेगा वो लो रहेगा, क्योंकि इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है रनिंग और सेकेंड होता है मेडिकल। आप रनिंग और मेडिकल कर लिए तो एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल होता है, आपको सही पूर्वक से पढ़िएगा तब आराम से निकाल लीजिए। चलिए अब सिलेबस में हम बात करते हैं, इससे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। सिलेबस में जो हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि सिलेबस जो रहेगा आपका, तो सिलेबस रहेगा आपका सबसे पहला जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के मतलब वह समान ज्ञान, समान ज्ञान से रहेगा आपका ऑल इंडिया GK से रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा और उस 15 क्वेश्चन में आपका 30 नंबर के रहेगा, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेगा, यानी एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के रहेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 2 नंबर के रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के रहेगा। अब हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस का रहने वाला है 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रहेगा आपका वो भी रहेगा 2 नंबर के रहेगा, यानी आपका 30 नंबर। इसी प्रकार हम मैथ के बात करते हैं तो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो 15 क्वेश्चन रहेगा, ये भी रहेगा आपका 2 नंबर के, यानी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का यहाँ है आपका 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान जिसका जो क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा, आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 15-30 नंबर का। बात करें हम आपका जो जनरल यानी सामान्य ज्ञान जो साइंस होता है, तो साइंस रहेगा आपका वो रहेगा 15-2 रहेगा, तो 15-2 नंबर करके रहेगा यानी 30 नंबर। मैथ भी रहेगा 15 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी आपका रहेगा 30 नंबर। आपका रीजनिंग रहेगा 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 10 को नंबर के रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 और नंबर रहेगा क्वेश्चन के 100, यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेगा, और आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा।
एक घंटा में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है जो आपको 100 नंबर के रहेगा, ठीक है, 100 नंबर के रहेगा। इसमें आपको 40% लाना है, यानी 40% से कम नहीं आना चाहिए, यानी 40% मिनिमम आपको लाना ही लाना है। अब फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि जो जनरल जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे क्या है ना कि आर्मी का जो लेवल है ना बहुत नॉर्मल है, और आपका कीजिएगा पूरा हाई लेवल पढ़ के जाइएगा तो नॉर्मल लेवल मार पाइएगा, नहीं मार पाइएगा। हर कुछ का एक विधि है, तो आपको हम जो बताएंगे, जो तरीका बताएंगे, जो बुक बताएंगे, और बुक में ये भी बताएंगे कि आपको बुक में क्या क्या पढ़ना है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब वीडियो पूरा अंत तक, और अभी एक ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, लाइव क्लास करवा रहे हैं रात में 9 से 10, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, आप लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज के लिए कौन बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना, देखिए आपका जो, ये भी हम लास्ट में बताएंगे आपको कि मेरिट आपको कैसे बनाना है, किस विषय पे ज़्यादा जोर देना है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ रहा बात कि आपका जो जनरल नॉलेज की बात करें, आर्मी जो अग्निवीर अभी भर्ती आने वाला है उसको जनरल नॉलेज के बारे में बात करें तो दो बुक का हम नाम बताते हैं, एक है रेलवे स्पीडी और एक लूसेंट सामान ज्ञान। ये दोनों सही पूर्वक पढ़ लिए तो आपका 100% है कि आप ऑल इंडिया जीके में आप आराम से बना लीजिएगा। हल्का फुल्का करंट अफेयर भी पूछता है, कर आपको नॉर्मल सवाल यहीं से उठाएगा क्योंकि ये बेसिक बुक है और बेसिक से ही क्वेश्चन उठाता है। यहाँ क्या करना है, दोनों का रोल क्या क्या है, तो आपको समय बांट देना है। इस बुक से क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। ये बुक से आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, इस बुक से जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। यानी ये बुक से जो आप पढ़िएगा वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा, यानी कहानी इस प्रकार पढ़िएगा। जैसे आगे हिस्ट्री कंप्लीट कीजिएगा, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद पॉलिटिक्स कंप्लीट कीजिएगा, ज्योग्राफी खत्म कीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खत्म कीजिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक इससे पढ़िएगा। और जो जो रेड किया हुआ रहेगा, यानी जो विविध होता है, विविध रट लीजिएगा, क्योंकि आर्मी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मल क्वेश्चन यानी विविध ज़्यादातर पूछा जाता है। सेकेंड रहा आपका ऑल इंडिया जीके का जो आता है स्पीडी आता है, तो स्पीडी आपको ले लेना है, और स्पीडी जो आता है वो नॉर्मल रहता है, वन लेनर रहता है, स्पीडी रहता है वन लेनर, और वन लेनर के साथ साथ वहाँ आपको जो विविध है, विविध वो टोटल दिया हुआ है। तो आप ये बुक नहीं भी पढ़ते रखो, विविध आपका स्पीडी बढ़िया से आप रट जाते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आप जीके जैसे जो आपका 15 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेगा उसमें नंबर आपको बहुत बढ़िया नंबर आएगा, यानी बहुत बढ़िया आपको स्कोर आएगा ही आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल साइंस का। तो देखिए जनरल साइंस का हम बात करते हैं, देखिए जनरल साइंस में आपका सिलेबस बहुत कम आ जाता है जिसके कारण इसमें आप फुल में फुल नंबर उठा सकते हैं। यानी आर्मी के लिए आपको हम बता रहे हैं ज़्यादा आपको फोकस करना है मैथ रीजनिंग और साइंस पे, ये तीनों में फुल नंबर ले उठा सकते हैं। वगैरह ऑल इंडिया जीके वो तो पूरा महासागर है, वो पढ़ते रहिएगा घटते रहेगा। करे आपका साइंस का लिमिट है, मैथ का लिमिट है, रीजनिंग का लिमिट है, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो मैथ रीजनिंग और साइंस पर रिजल्ट बनेगा, वो भी लास्ट में हम बताएंगे, विवरण बताएंगे। अब रहा साइंस का, तो साइंस के लिए आपको बेस्ट बुक है वो है आपका स्पीडी का आता है, आपका जो आता है बता रहे हैं तो स्पीडी का साइंस का एक बुक आता है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। जो पिछला जो हम बुक बताए स्पीडी का वो सामान्य ज्ञान के था, अबर जो हम अभी बुक बताएं वो आपको सामान्य विज्ञान के है, यानी समान विज्ञान के है, लूसेंट समान या थी आपका स्पीडी समान विज्ञान के है। तो इसमें क्या है कि आपका विविध पकड़ा जाएगा, ये आप पढ़िएगा तो विविध आपका पकड़ा जाएगा, यानी विविध आपका पकड़ा जाएगा, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन इसमें टोटल दिया हुआ रहेगा, टोटल यानी वन लाइनर रहेगा, अब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आप सही प्रो रीडिंग मार दिए तो साइंस के एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब यहाँ हम जो दिखा रहे हैं ये एडवांस लेवल साइंस का बुक है, इसको आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसमें जो हम चीज़ बताते हैं वही पढ़ना है। ये बुक हम दिखाएं इस कारण क्योंकि इसका कुछ पार्ट है उसका फोटोकॉपी आपको करवा लेना है, और फोटोकॉपी करवा के उतना रट जाना है। तो इसमें क्या जाइएगा, इसमें जैसे आप गए हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का जो विभित है लास्ट का, केमिस्ट्री का लास्ट पन्ना उलटिएगा तो वहाँ चार पन्ना और चार पांच पन्ना विभित रहेगा, विभित के आप फोटोकॉपी करवा के रट जाइएगा। रहा बात फिजिक्स का, तो फिजिक्स का भी वही कीजिएगा, लास्ट का चार पांच जो पन्ना रहेगा उसको क्या करना है, फोटोकॉपी कर लेना है और उसको क्या करना है कि आपको रट जाना है। उसी प्रकार बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी का भी लास्ट का चार पांच पन्ना जो विविध रहता है, विविध इसमें दिया हुआ है, यानी केमिस्ट्री का दिया हुआ है, फिजिक्स का दिया हुआ है, बायोलॉजी का, तो सिर्फ विविध का फोटोकॉपी करवा लेना है इस बुक से और फोटोकॉपी करवा के उसको रट जाना है। तो ये रहा आपको बात, ऐसे बुक लेना है साइंस के लिए तो यही बुक लेना है। अब हम बताते हैं मैथ के लिए, उसके बाद बताएंगे हम रीजनिंग के लिए और फिर अपना जो मेरा क्लास चलता है उसका एड्रेस भी हम बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए कि हम आगे बता रहे हैं जो मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है। मैथ के लिए सबसे पहला बात बता दें कि भी मैथ का ऑनलाइन लाइव क्लास करवा रहे हैं रात के 9 बजे, रात के 9 से 10 हम आपको मैथ का लाइव क्लास करवा रहे हैं। तो आप मैथ का लाइव क्लास का अब लुत्फ़ तो उठाना चाहते हैं या इसके अलावा पेड क्लासेस करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बताते हैं मैथ के बुक के बारे में। तो मैथ के बुक के बारे में बोले तो आपको दो बुक लेना है, दोनों नॉर्मल बुक है, पूरा बेसिक लेवल मैथ का बुक है और इससे हार्ड आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आर्मी का जो सिलेबस होता है ना वो बहुत ही नॉर्मल है और वही हिसाब से आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं विद्यासागर के बारे में। तो विद्यासागर इतना सा पतला सा बुक रहेगा, ना ही ज़्यादा लंबा ना ही ज़्यादा चौड़ा। इसका आपको प्ले लिस्ट पर यानी आप गूगल प्ले पे जाइएगा तो वहाँ भी विद्यासागर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा या ये बुक आप खरीद लीजिएगा, बेहतर रहेगा क्योंकि पीडीएफ से अच्छा होगा कि आप बुक खरीदिएगा तो बढ़िया से आपको नॉलेज हो पाएगा। तो ये बुक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100, 80 या 90 में मिलेगा, ज़्यादा रुपये में नहीं मिलेगा। तो ये बुक आपको खरीद लेना है विद्यासागर के, ये हर बुक दुकान में आपको मिल जाएगा। ये मैथ का ना नॉर्मल यानी बेसिक लेवल मैथ का ये बुक है। सेकेंड हम बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका लूसेंट, तो ये भी बेसिक मैथ का बुक है। जो बोर्ड वो मास होता है यानी बेसिक लेवल जो मैथ और ई दोनों जो बुक है जिनका पूरा जीरो का ही ना मैथ हो तो ये बंदा को ये दोनों बुक ले लिए तो उनको सहारा हो जाता पढ़ने में क्योंकि ये बुक का जो लेवल है मैथ का वो कुछ नहीं है, नॉर्मल लेवल है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं, एक बुक नहीं हम बोलेंगे दोनों बुक ले लीजिएगा। ये बुक में हल्का में मिलने में हल्का कठिनाई होगा तो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, फिर ये बुक आपको हर जगह मिल जाएगा। तो हम क्या बताएं कि आपको ऑल इंडिया जीके के लिए हम बताएं जो सामान्य ज्ञान लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ना है, बताएं आपको साइंस के लिए बताएं तो स्पीडी साइंस बताएं और लूसेंट का जो साइंस बुक है उसका विविध आपको रट लेना है। और मैथ के हम बारे में बताएं तो मैथ के हम बताएं आपका विद्यासागर बुक और आपको लूसेंट का अंगणित जो बुक है उसके बारे में बताएं। ये छोटा बुक है, ये नहीं बड़ा बुक लूसेंट के लिए, अगर हम पतला सा छोटा बुक है वो लीजिएगा। तो ये हम आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग क्या है ना कि रीजनिंग आपको नॉर्मल रहता है, रीजनिंग में आपके पास अभी पन्ना होगा या तो वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ लेना है ना। तो यहाँ देखिए कि आपको रीजनिंग में 5 नंबर क्या आएगा, उसमें आप पहला दिशा निर्देश पूरा ख़त्म कर लीजिए, दिशा निर्देश के बाद ब्लड रिलेशन ख़त्म कर लीजिए, दिशा निर्देश ब्लड रिलेशन, उसके बाद आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आप पढ़ लीजिए, को ये तीनों पढ़ लिए और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग ये 4 को पढ़ लिए तो ऑटोमेटिक है कि 5 सवाल यहीं से आप मार दीजिएगा। पहला दिशा निर्देश, दूसरा ब्लड डिरेक्शन, तीसरा समांतर श्रेणी, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 आपको बहुत बेहतर तरीका से पढ़ना है और ये 4 पढ़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन को बना दीजिएगा, साथ साथ अव्यय भी पढ़ लीजिएगा। तो आपको हम क्या बोले फिर से सुन लीजिए, दिशा निर्देश, ब्लड रिलेशन, समांतर श्रेणी, कोडिंग डिकोडिंग, एक आता अव्यय करके आता है तो उसको पढ़ लेना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक हम आपको बता दिए, अब हम आपको फोकस करेंगे कि आपको किस किस विषय पे ज़्यादा दिमाग लगाना है यानी किस विषय पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है यानी कहाँ से आपको नंबर उठेगा,
और किससे भी यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहला हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका ध्यान से देखिएगा, तो जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों में आपको फुल में फुल नंबर उठाना है। मैथ आप पढ़िएगा, फुल में फुल उठा लीजिएगा, पूरा इजी सवाल लेता है, बोर्ड मार्क्स वगैरह पूछता है, लाभ हानि का शुरुआत वाला क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं पूरा हार्ड, तब सिंपल क्वेश्चन आपको समय कार्य वाला भी पूछा, तब हल्का यानी शुरू वाला, यानी सोचिए कि जो पहला दूसरा यानी एक से लेकर दस तक क्वेश्चन दिया होता है उसी से पूछता है, लेवल हाई नहीं, तो आपको हाई लेवल नहीं पढ़ना, नॉर्मल लेवल पढ़ना है मैथ के। तो इसमें 15 में आप 15 नंबर उठा लीजिएगा, 15 नंबर इसमें उठा लीजिएगा, 15 नंबर आप साइंस में उठा लीजिएगा, साइंस के भी क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, वहाँ पर स्पीडी साइंस खत्म कर दिए थे, ऑटोमेटिक इसमें 15 उठा लीजिएगा। अब 5 रीजनिंग में, यानी यहाँ तक हो गया आपका कि 15 आपका हो गया 30 और 5 आपका हो गया 35 और 35 × 70, यानी इतना ही आप सही प्रूफ पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपका 70 नंबर 100% आ जाएगा। अब बात करते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस आप पढ़िएगा तो 10 नंबर आराम से उठा लीजिएगा, उतना भी लेवल हाई नहीं रहता है। तो हम कितना टारगेट लेके चले कि 15, 15, 30, 15, 30, 45 यानी 45 × 90 नंबर के टारगेट लेके हमको चलना है, और 90 नंबर लेके टारगेट चलना है, और 90 नंबर से कम लाना ही लाना नहीं है। चलिए फ्रेंड, तो आज आर्मी का इसमें हम बुक बताएं कौन कौन सा पढ़ना है, सिलेबस बताएं, और अगला जो वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम आपको बताएंगे, उम्र बताएंगे, आपका सारा कुछ यानी क्या भरने के लिए क्या क्या लगता है, उस टोटल कुछ क्या क्या कागज़ बनाना पड़ता है, ये सारा कुछ बताएंगे। इससे पहले हम बता दें क्यों आप SSC GD जो परमानेंट नौकरी है, SSC GD आर्मी तो आपको 4 साल के लिए आया हुआ है, क्या आपका जो परमानेंट जॉब है वो है SSC GD, और उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, या हम जो यहाँ एड्रेस दिखा रहे हैं, यहाँ जो एड्रेस दिखाई दे रहे हैं आपका, 2 एड्रेस हम दिखा रहे हैं, एक मेरा मेन ब्रांच है जो हजारीबाग यानी झारखंड से हम बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जो हजारीबाग में बाबू गांव चौक है एक, वहाँ मेरा ब्रांच है, एक आपको हजारीबाग में आनंदा चौक है वहाँ मेरा ब्रांच है, तो आप दोनों ब्रांच में कोई भी आइएगा। SSC GD का हम दावा करते हैं, अगला बार 25 में 15 के रिजल्ट दिए थे दम, तो सोच लीजिए कि मेरा एक्यूरेसी रेट कितना बढ़िया है कि 25 में 15 के रिजल्ट दिए, तो ये गारंटी हम ले लेंगे, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम के दावा करते हैं कि एग्जाम में आपको हम फेल नहीं होने देंगे। हाँ, आपको ऑफलाइन क्लास आते हैं उसके बाद हम 100% दावा करेंगे, और हाँ आपको ये नहीं कि फॉर्म आ गया आप 2 महीना बचा हुआ सर करवा दीजिए, तो आप कंप्यूटर नहीं है कि 2 महीना में आपको हम डाटा डाल दें, आपको पहले से आके यहाँ क्लास करना पड़ेगा, और क्लास कीजिएगा तो हम गारंटी लेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का है एग्ज़ाम हम क्वालीफाई करवा देंगे, यही शर्त रहेगा कि 4-5 घंटा आपको समय देना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है। और बाकी आप सुबह 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 शाम दौड़िएगा, बाकी टाइम आप दोपहर में फिर यहाँ क्लास कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, आपको क्लास करना होगा चाहे बाबूगांव चौक या अनंदा चौक, तो जो यहाँ नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे इस नंबर पे आप लोग कोड कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी।